तो यो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर वापस। तो मेरा मैप जो जा रहा था वैसे ही है एंशिएंट सीक्रेट मोड ही, बट मैं यही भूल गया था मैंने एंशिएंट सीक्रेट लगाया है, तो वरना मैं वहाँ टेंपल पे उतरता। फिलहाल रोजा उतरे, दो चार बंदे आए होते हैं यहाँ पे। तो आप लोग गेस करो मेरे एंड तक कितने किल हो सकते हैं। अभी नहीं नहीं अभी अभी कमेंट करके बताओ कितने किल होंगे। और फिलहाल यहाँ पर मैं लेफ्ट में ये कहीं मतलब लेफ्ट साइड बॉट था शायद, पता नहीं मुझे। और मेरे पीछे से भी फायर होता है, थोड़ी देर में होगा। तो जब ये क्या कहते हैं जब हम किल स्टार्ट करेंगे पहला ये बॉट एंड हम जस्ट फायर होगा पीछे से। हुआ तो पीछे से फायर हुआ। तो एक और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि मतलब आपको वीडियो क्वालिटी सही आ रही है, ऑडियो क्वालिटी सही आ रही है। अगर कुछ भी सही नहीं आ रहा ना, कुछ भी मतलब एक भी चीज़ अगर हो जो सही ना आ रही हो, तो मेरे को आप कमेंट करके बताओ, मैं सुधारने का ट्राई करूँगा पक्का। फिलहाल जो है पहाड़ी पे एक बंदा है, बल्कि एक नहीं है तीन बंदे हैं, जिनमें से एक बॉट है और ये ऊपर छत पे बंदा है और एक वेयर हाउस में से मुझे सरप्राइज मिलता है बंदा है। और यहीं से मैं इसे 1 HP छोड़ता हूँ। तो जब जब भी आप लोग मतलब वो बंदा आप डायरेक्ट घुसा करो ऐसे घरों में, देखो डायरेक्ट एक भी डैमेज नहीं दे पाया वो। देन मुझे पता लगा स्क्वाड ये वेयर हाउस में बंदा है, उसके पहले उसका मैं एक किल चोरी करता हूँ जो कि बॉट का किल होता है, देन उसको हम मार देते हैं। तो आप लोग गेस करो इस मैच में मुझे चिकन डिनर मिलने वाला है। गेस कर दो जल्दी से चैट कमेंट में। तो फिलहाल इस बंदे को मारने के लिए थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई कर रहा था, पर टिप्स एंड ट्रिक्स तो काम नहीं आती। स्मोक मार देता हूँ मैं ताकि घुस पाऊँ इसके ऊपर। जब जब स्मोक हो जाता है मैं डायरेक्ट इस पर पुश कर देता हूँ ताकि मैं इससे फाइट ले सकूँ, इसे मार सकूँ, वरना दूर से तो कुछ होने नहीं वाला। तो ये ऐसे खड़ा हुआ था कि स्कोप खोल के खड़ा है, तभी मैं। फिलहाल इसको मारने के बाद शायद एक और बंदा आता है, पता नहीं। तो सामने वाला बंदा मेरे पे एम लेके बैठा था यहाँ पे, जो कि मुझे पहले ही फुटस्टेप्स आ गए थे, आपको मैंने बताया था अभी कि मतलब बॉट था पता नहीं क्या था। देन हम पुश करते हैं स्कूल पे, उसके पहले एक बॉट मारेंगे, बट मैं आपको डायरेक्ट स्कूल पे पुश करते हुए दिखाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर आते ही मुझे एक बॉट के फुटस्टेप, जो कि ये पॉट था, वैसे मैं डर गया था ये क्या है? मतलब बंदा होता तो मार देता इजीली। तो यहाँ पे गाड़ी, इस बंदे को आप गेस करो मैं कैसे मारने वाला हूँ, या फिर ये मुझे मारने वाला है। क्योंकि पहले तो आप ये बताओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ होगा जल्दी से, पहले मेरे बोलने से पहले। तो इसको हम मार चुके हैं इस बंदे को, तो आप पहले कमेंट करके बताओ कि मेरा चिकन डिनर होने वाला है या नहीं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल मुझे सरप्राइजिंगली मेरे को पट के फूट, तो मैं गाड़ी को फोड़ देता हूँ कवर के लिए, गाड़ी को फोड़ दिया मैंने। तो सामने स्कूल पे बंदा है, ठीक है, यही यही लास्ट बंदा है स्कूल पे। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में स्प्रे हगा, बट बाद में अपनी गलती को सुधारा भी, तो मैटर नहीं करता। चलो हम पुश करते हैं ड्रॉप टू ड्रॉप, नहीं शायद हम सेवरनी पे पुश करेंगे। डायरेक्ट वहीं पे दिखाता हूँ आपको एक बॉट मारते हुए, नहीं दिखाना चाहता। चलो तो यहाँ पर मुझे ड्रॉप दिखा जिसके लिए मैं खींचा आ गया। तो जब ड्रॉप मतलब था तो कुछ नहीं, एक हेलमेट ही मिला, बट जब ड्रॉप लूट लेता हूँ मैं
तो भाई एमके वाला बंदा मुझ पे फायर करता है, जो कि मेरे लिए दिक्कत थी, बट आपको अभी बता उसके बारे में बताता हूँ, उसे एमके वाले बंदे को कैसे मारना है अगर आप गाड़ी में हो। अगर आपको गाड़ी से वो उतार दे तो अलग बात है, नहीं तो अगर वो ना मार पाए आपको गाड़ी में तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे मारना है। तो ये रहा, ये बॉट था ओके। अभी एमके वाला बंदा जब यहाँ से निकलने का ट्राई करूँगा मैं, वो तब फायर करने वाला है। और एक काम करो, अगर चिकन डिनर होगा तो ठीक है, अगर आपने अगर कमेंट कर दिया, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा वो बताओ आप मुझे, मतलब थोड़ा एंड तक देख सकते हो। मैं अभी से पूछ रहा हूँ कि अगर मेरा चिकन डिनर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्या गलती की मैंने, गलती भी आपको लास्ट में बताऊँगा, बट अभी आप गेस कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे रुका मैं, सामने M24 वाला बंदा था, राइट साइड में M24 वाला बंदा था, हाँ। तो उसे मैं पहले तो DP का स्प्रे बहुत सही देता हूँ, बहुत मस्त वाला, यहाँ से नहीं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ वीडियो को, मैं वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता इसलिए। तो उसकी HP बहुत ही कम बची होगी, लिटरली बहुत कम होगी। तो फिलहाल मैंने सोचा चलो घुस के मारना पड़ेगा इसे, तो पहले शिक्षक को यही है, हाँ यही है एमके वाला बंदा। तो अभी आपको ट्रिक बताता हूँ इसे कैसे मारना है, मारने के बाद बताता हूँ, अगर आपको वैसे ही पता लग जाए तो बहुत अच्छा। तो ट्रिक ये है कि अगर आप बग्गी या फिर कोई भी गाड़ी चला रहे हो और इसका अगर आपको एक भी गोली कनेक्ट होती है, आप जस्ट जंप करके इसे मार दो, उसकी मिस हो जाएंगी। वैसे भी 20 ही गोलियाँ डल सकती हैं एमके में, तो मेरा सजेशन यही है आप जंप करके मार दो, वही आपके लिए सही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से वो सामने भी फाइट होने वाली है, यहाँ राइट साइड, यस यही। तो बाइक से बंदा आया तो बहुत टाइम मिलती है, लिटरली वो भी बहुत कम होगा। और यहाँ पे मैंने क्यों फायर किया वो आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं रिलीज पे रखता हूँ अपना बोल्ट एक्शन राइफल वाला, तो मेरा गलती से फायर हो गया, मैंने स्कोप के लिए करा था। तो जस्ट तो यहाँ पर जब वो दूसरे से फाइट लेते हैं ना, दूसरे से, तब मैं उस पर फायर करता हूँ, M24 का हेडशॉट देता हूँ। तो इसे भी मैं एक गोली दे देता हूँ हेड, देन मैंने बोल्ट एक्शन को अपनी रिलोड किया, देन आपको सीधा हेडशॉट ये रहा, हेडशॉट। तो यहाँ से चलते हैं हम सीधा जोन में जो घर है वहाँ पे, तब तक के लिए आपको वीडियो कट कर देता हूँ। जब यहाँ से मैं दासिया लेकर जा रहा था, पीछे से बाइक आई, देखा आपने, तो ये जब बाइक वाला बंदा रुका, मैं भी रुका और मैंने इसे मारा कुछ इसी तरह से। तो अब हम जोन के घरों में चलते हैं डायरेक्ट, लेट्स गो। तो आ गया मैं इन घरों पे, तो यहाँ पर भी एक गाड़ी रुकी हुई है जो कि US है, आपको दिख गई होगी। तो अभी तक जिन लोगों ने मतलब लाइक नहीं किया, यार लाइक करो, इतने मतलब मुश्किल से आपके लिए गेम प्लेस निकाल रहा हूँ रोज़ अब, तो प्लीज़ कृपया करके लाइक कर दो। तो उस बंदे को तो नहीं मार पाता मैं, US वाले को फिलहाल, तो वो निकल जाता है। तो निकलने का पार्ट मैं क्या फ़ायदा दिखाने का बताऊँ, तो अभी मैं गाड़ी से सीधा निकलने का, अपने गाड़ी से सीधा निकलने का पार्ट दिखाता हूँ आपको, लेट्स गो। अच्छा आप K9 का ये सप्रेस्ड फायर सुन रहे हो ना, तो ये बंदा अनलिमिटेड फायर कर रहा है। तो इस बंदे को आप सोचो मैं कैसे मारूंगा, बस आप देखते जाओ, आपके लिए सस्पेंस है, आप देखते जाओ कैसे मारूंगा, बस आप देखते जाओ।
देखते। तो यहाँ पर मुझे दो दो किल मिले, एक जो स्नाइपर शॉट था उसके चक्कर में। तो बस अगर आप मेरी लॉबी में हो ना, फायर कर दूंगा। तो अभी टाइम आ गया बताने का कि मतलब हमारा चिकन डिनर होने वाला है या नहीं। तो इस मैच में चिकन डिनर नहीं हुआ क्योंकि जो गाड़ी अभी यूएस है, यहाँ पर एक बंदा है जो कि लेफ्ट में है। मैं यहाँ पर स्कोप खोलने की कोशिश की जो कि लेफ्ट से मुझे फुट आ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मरा कैसे? 40 की 40 गोलियाँ लगी इसे मारने में। चलो अभी गाड़ियों की जो यूएस है ना, इसको ले लेने चाहिए थे मुझे जब ये डैमेज हो गई। चलो मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ वीडियो को ताकि आप बोर ना हो जाओ, ज़्यादा बढ़िया हो रही है वीडियो। उस बंदे को मारने के बाद हम आ जाते हैं इस बंदे पे जिसने मुझे मतलब सही डैमेज दिया बट बच ना सका। तो ये सही खेला बट कोई बात नहीं। तो अब लास्ट बंदे पे डायरेक्ट चलते हैं, उसके बाद लास्ट में कैसे मारा वो भी देख लो यार। तो यहाँ पर मैं एक बंदे मतलब बंदों को ढूंढ रहा था और एक बंदा ये रहा, और दो बंदों की वजह से मैं मरा हूँ। पीछे जो बंदा था उसकी वजह से, जो जिसने मुझे मतलब सही डैमेज दिया जिसको कह रहा हूँ मैं, तो एक इसकी वजह से क्योंकि उसने गाड़ी बहुत डैमेज कर दी, तो गाड़ी के चक्कर में मैं मर गया। अब डायरेक्ट मरने वाला पार्टी दिखाऊंगा ना, ऐसे भागते हुए तो दिखाऊंगा नहीं। चलो वही दिखाता हूँ डायरेक्ट। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।